Assalamu alaikum, this is Mohammed Mubashir from the platform of Pakistan Property Leaders Bahria Town Karachi. आज मैं स्पेशली उन लॉटीज से उन कस्टमर से मुखातिब हूँ जिनके प्लॉट्स प्रेसेंट 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABCD के अंदर बहरिया टाउन ने 2014 के अंदर जो लॉन्चिंग की थी उसके अंदर 125 गज़ के प्लॉट उन प्रेसेंट्स के अंदर दिए थे, यानी वो प्लॉट्स जो कि अब तक डिलीवर नहीं हुए थे और डिस्प्यूट लैंड कहा जा रहा था कि वो एरिया डिस्प्यूट है, और उन प्लॉट्स को यानी उन कस्टमर्स को वहाँ से निकाल कर नए प्रेसेंट्स जो बहरिया ने अब दिए हैं, नए बैलेटिंग हुई है उनके अंदर जो है वो एडजस्ट कर दिया गया, यानी वो प्लॉट्स अब उन प्रेसेंट्स के अंदर यानी 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABCD के अंदर अब वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो अब नए प्रेसेंट्स जो कि 62, 63 और 67 और इससे ऑनवर्ड जो भी प्रेसेंट बहरिया ने दिए हैं उनके अंदर इस टाइम पर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यानी कि एक यूट्यूब और दूसरी जगह सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक इसे लॉलीपॉप का नाम दिया जा रहा है कि एक नए लॉलीपॉप, नए किस्म के लॉलीपॉप्स हैं, नए प्रेसेंट्स के नाम से जो हैं वो हमें दिए जा रहे हैं। ये कस्टमर का कहना है कि ये मतलब और 4 साल हमें जो है वो इसी तरह लटकाने और डिस्प्यूट एरिया, क्या ये भी हो सकता है कि आने वाले सालों में ये लैंड भी सुनने में आया कि ये डिस्प्यूट है। तो ये एक जो नुक्ता नज़र जो है वो कस्टमर का मतलब वो सामने रख रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए मैं ये बात कहूँगा कि हो भी सकता है कि बहरिया 6 माह के अंदर आपको डिलीवर कर भी दे, और ये भी हो सकता है कि जिस तरह पहले 4 साल वेट करने के बाद पता लगा कि ये लैंड जो है वो डिस्प्यूट है, इसमें किसी किस्म की मतलब फौरन डिलीवर नहीं आप कर सकते, बहरिया अभी तक डिलीवर नहीं कर सका और फौरन आप घर नहीं बना सकते, यानी उस जगह पर प्लॉट पर जाके भी आप नहीं देख सकते थे कि वो जगह ऑन ग्राउंड ही नहीं थी। तो अब जो जिस जगह पर जिस टेरिटरी में वो प्रेसेंट्स दिए गए हैं, आया कि अब वो हम जाकर वहाँ पे या कस्टमर जाकर वहाँ पे उन प्रेसेंट्स को मैप पे क्या देख सकते हैं। यहाँ पर एक और भी बात देखने में आ रही है कि कुछ एक तरीकाकार है कि आप किस तरीके से आप अपना प्लॉट जो है वो देख सकते हैं या किस तरीके से आपको पता लग सकता है कि हमारा प्लॉट किस जगह पर लोकेटेड है। तो कुछ कस्टमर बहरिया टाउन हेड ऑफिस के अंदर अपनी स्टेटमेंट या अपना प्लॉट देखने के लिए गए हैं, यानी मैप पे वहाँ पर ही देख सकते हैं आप, मार्केट के अंदर तो फिल वक्त अभी तक वो प्रेसेंट के मैप जो हैं वो नहीं आए। तो ये एक तरीकाकार है जहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो कुछ कस्टमर जो गए हैं उनके कहने के मुताबिक आप अपनी गली, अपनी स्ट्रीट, अपने मोहल्ले तक या अपने प्लॉट को मैप के ऊपर तो देख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि वो प्रेसेंट जो है वो बहरिया टाउन में किस जगह पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसकी लोकेशन किस जगह पर आ रही है उस प्रेसेंट की। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है, यानी एक क्लियर पिक्चर जो है वो आपको नहीं मिल रही जिसमें आप मुतमिन और सुकून आपको हो जाए इस हवाले से कि आया कि जो नए प्रेसेंट्स के अंदर हमारे प्लॉट मतलब अभी हमें शिफ्ट कर दिया गया है उन प्रेसेंट्स के अंदर, तो हम एक सेफ़ जोन में या एक अच्छी जगह पर जो है वो हम शिफ्ट हो गए हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक नई चीज़ या नई बात जो एक तंग कर रही है उन कस्टमर्स को, बहरिया टाउन के कस्टमर्स को, जो 35% एडिशनल चार्जेस जो हैं यानी उन प्लॉट्स के ऊपर जो अब तक डिलीवर नहीं हो सके, यानी कि पहले 4 साल वेट किया है और एक आने वाले दिनों में एक लंबा वेट जो है वो देखने को मिल रहा है, उन प्लॉट्स के ऊपर एडिशनल चार्जेस यानी कि 125 गज के प्लॉट्स के ऊपर या 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के ऊपर जो प्लॉट्स अभी नए बैलेटिंग के बाद दिए गए हैं, यानी कि 62, 63, 64 या इससे ऑनवर्ड जो भी प्रेसेंट्स बहरिया टाउन ने दिए हैं उनके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी 35% एडिशनल चार्जेस जो हैं वो लगा दिए हैं। अगर आप अपनी स्टेटमेंट, उन प्लॉट्स की स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो नीचे ये ऐड करके अमाउंट जो है वो दे दी गई है, बता दी गई है कि आपको 4 साल की एक साथ में पे करनी है, यानी कि अब से जो इंस्टॉलमेंट पहली होगी वो आप पे ड्यू होती जाएगी और इससे ऑनवर्ड आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, कि वो प्लॉट्स अब जो कि अब तक डिलीवर नहीं हुए और उनके ऊपर भी एडिशनल चार्जेस यानी लग गए हैं। ये भी एक यानी परेशान
परेशानी वाली बात है कि जो एक लंबा वेट कस्टमर्स ने पहले किया है और एक इससे बाद भी जो है वो उन्हें वेट करना पड़ रहा है कि प्लॉट अभी तक उन्हें मिला नहीं है, ना ही वो उस पर घर बना सके हैं, ना ही उसके ऊपर एक अच्छा ट्रेड जो है वो कर सके हैं, चूँकि वो माइनस में प्रॉपर्टीज जा चुकी थी। तो ये भी एक परेशानी वाला जो है वो आलम है। सिचुएशन से निकलने के लिए या इन प्रॉपर्टीज़ से एग्ज़िट लेने के लिए या किसी और प्रॉपर्टी के अंदर अपनी अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए या शिफ्टिंग वाला ऑप्शन अपनाने के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।